बी पार्टाइट सेटलमेंट पर दोस्तों एक बहुत अच्छी पोस्ट हमारे पास आई है। दोस्तों उस पोस्ट को आप भी सुनकर बहुत हंसेंगे और मुस्कुराएंगे कि लिखने वाले ने क्या लिखा है। जी हाँ दोस्तों, ये 7 नवंबर 2019 की ये पोस्ट, इस पर लिखा है, लिखने वाले का नाम है सहेलिया उत्प्रकाशा। सन लिखा है 2079 और आगे है, अभी अभी जन्मे गोल मटोल बच्चे को सब उसके बैंक वाले बाबा का पुनर्जन्म बता रहे थे। वजह, वो उनकी मौत के ठीक 9 माह बाद पैदा हुआ और उनके बाएं गाल पर ठीक वैसा ही मस्सा था जैसा बैंक वाले बाबा के बाएं गाल पर था। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता रहा, उसकी आदतें भी बाबा जैसी थी। बस एक ही दिक्कत थी कि बच्चा अभी तक बोला नहीं था। 5 साल का बच्चा, लेकिन आज तक माँ का पता न बोला था। सन 2079 बच्चा बोल नहीं पाता था, लेकिन थोड़ा बहुत लिखना और पढ़ना सीख रहा था। एक दिन आंगन में अखबार पढ़ते हुए बच्चा अचानक जोर जोर से नाचने लगा। घर वाले हैरान रह गए ये देखकर कि वह कुछ बोल ही नहीं रहा था। घर वालों ने जब आंखों में खुशी के आंसू भरकर सुनने की कोशिश की तो बच्चा क्या कह रहा था, उन्होंने सुना, बच्चा नाचते हुए कह रहा था, मेरा 11 तारीख को भी पार्टल सेटलमेंट हो गया जो पिछले जन्म में ड्यू था। तो दोस्तों ये बड़े हंसाने वाली बात आपको कैसी लगती है? दोस्तों अगर ये पसंद आती है तो हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब